गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट। टेक आउट पेज नंबर 24, चैप्टर नंबर 3, एडिशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एडिशन। एडिशन सबको आती है आई थिंक, है ना? फर्स्ट में भी आपने सीखा है, प्रेप में भी सीखा है। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन करना। जैसे कि ये क्या है, पोटैटोज़, तो इनको क्या करना है, काउंट करके यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि ये 8 पोटैटोज़ है और ये 5 पोटैटोज़ है, तो सबको काउंट करना है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 8 के बाद क्या आता है, 9, 10, 11, 12, 13, तो हाउ मेनी पोटैटोज़, 13 पोटैटोज़। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी करना, 8 और 5 कितने हो गए, 13, तो ये आ गया 13। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे क्या है, 6, और यहाँ पे क्या है, 2। तो मैंने क्या बताया था, देखो बेटा एडिशन करते हैं ना, तो देखो यहाँ क्या है, 6 के बाद हमें 2 और काउंट करना है। तो 6 के बाद क्या आता है, 7 और 8। देखो मैंने 2 टाइम काउंट किया, 6 के बाद क्या आया, 7 और 8, तो यहाँ पे आ गया 8। अब यहाँ क्या है, 3 के बाद वाला काउंट करना स्टार्ट करेंगे, कितने टाइम तक, 6 टाइम तक। तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9। ओके, अब आता है सेकंड एक्सरसाइज बी। इसमें क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे 2 है और नीचे 5 है, तो 2 के बाद से हमें कितनी बार काउंट करना है, 5 टाइम काउंट करना है। ये रहा हमारा 5 नंबर, ठीक है, फिंगर कर दी मैंने 5। 2 के आफ्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे आ गया 7। अब क्या पूछा है, 6 और 4 कितने होते हैं, तो 6 के बाद से हमें कितनी बार काउंट करना है, 4 टाइम काउंट करना है। तो ये हमारी फिंगर 4 हो गई, 6 के बाद काउंट करते हैं। 6 के बाद क्या नंबर आएगा, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, अब पूछा है 1 एंड 4, तो आफ्टर 1 काउंट करना है हमें 4 टाइम। तो 1 के बाद 2 आता है, तो हमें 2 से काउंट करना है, कितने टाइम करना है, 4 टाइम। तो मैंने 4 फिंगर शो कर दिए। अब 1 के बाद आफ्टर 1 आएगा 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखो 5 है और 1 है, तो 5 के बाद वाला काउंट करना है, कितने टाइम करना है, 1 टाइम। तो 1 फिंगर 5 एंड 1, 1, 6। ओके, अब 0 काउंट नहीं होगा, तो 1 का 1 ही आएगा। और 3 और 6 को काउंट करना है, तो 3 और 6 यानी 3 के बाद वाला नंबर से काउंट करना है 6 टाइम तक। तो ये देखो, ये 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। अब काउंट करते हैं, क्या है, 3 के बाद में 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब 6 और 0 6 ही होते हैं, और 5 और 1 को काउंट करते हैं, 1 तो है, अब नीचे क्या है, 5 नंबर, तो ये 5 फिंगर शो कर दी मैंने। अब 1 के बाद में 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया 6। ठीक है, अब आता है 3 और 2, तो 3 और 2 यानी 3 के बाद से काउंट करना है, कितने टाइम तक, 2 टाइम तक। तो 2 फिंगर कर दी मैंने, नीचे वाली जितने भी नंबर हो गए उतनी फिंगर करनी है। तो 3 के बाद में 4, 5, 6 के बाद में 3 है, तो 6 के बाद से कितनी टाइम काउंट करना है, 3 टाइम, ये 3 फिंगर। 6 के बाद 7, 8 और 9, तो ये आ गया 9। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको एक्सरसाइज करनी है, और नोटबुक में भी इसी तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग लगानी है, उसके बाद में एडिशन, चैप्टर नेम, एक्सरसाइज 3.1, फिर फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, 0 और 1 1 ही होगा, 3 और 6, तो 3 के बाद में 6 काउंट करना है। ठीक है, ये 6 हो गए, अब 3 के बाद करना है, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये आ गया 9। ओके, नेक्स्ट 2 और 2 2 2 के बाद 3 और 4, 6 के बाद में 3 काउंट करना है, तो ये 3, 6 के बाद से काउंट करने, तो 7, 8, 9। ओके, इसी तरीके से ये करने हैं 1 और 4, तो 1 के बाद में 4 है, तो 4 फिंगर करनी है,
फिर वन के बाद में नंबर आता है 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब 5 है, 5 के बाद में वन फिंगर करनी है, तो वन फिंगर कर दी मैंने। अब 5 के बाद में क्या आता है 6, तो ये हो गया 6, ठीक है। अब है 2, नीचे क्या है 1, तो 1 फिंगर, जो नीचे वाला नंबर होगा वही हम फिंगर शो करेंगे। 1, 2 के बाद काउंट करो 3, तो ये हो गया 3। अब नीचे क्या नंबर है 3, तो मैंने 3 फिंगर कर दी। अब क्या है 5, तो 5 के बाद से स्टार्ट करते हैं 6, 7, 8, ठीक है। अब आपको फिंगर के ऊपर काउंट करके एडिशन कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ 6 और 0, तो 6 का 6, 1 और 5, तो ये 1 के बाद में 5 है, 5 फिंगर, और 1 के बाद में 2, 3, 4, 5, 6। फिर आ जाएगा 3 के बाद क्या है 2 फिंगर, 3 के बाद बोलो नंबर 4, 5, 6 के बाद के नंबर काउंट करने हैं, 3 है, 6 के बाद नंबर बोलो 7, 8, 9, ठीक है। लास्ट है 2, 4 के बाद 1 है, तो 1 फिंगर, 4 के बाद सीधा ये क्या हो गया 5। अब 1 है तो 4 फिंगर करनी है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, ओके। 7 के बाद 1 है तो 1 फिंगर, 7 के बाद क्या आता है 8। अब आता है 2 और नीचे 4 है, तो 4 फिंगर, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, ओके। दिस इज योर नोटबुक वर्क एंड दिस इज योर बुक वर्क, ओके। सो शुड बी राइट नीट एंड क्लीन, ओके। थैंक यू।